भी ले जाएंगे घर रेड कलर की। बहुत दिनों के बाद आज फाइनली स्कूटी ले रही हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज बहुत ही एक खुशी के दिन है मेरे लिए गाइस, और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देना है। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं एक शोरूम में, और शोरूम में एक बहुत ही खास चीज़ लेने वाले हैं, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस, अभी हम होंडा कंपनी में आए हैं और आज सोचा है कि एक स्कूटी लेंगे। तो कौन सा मॉडल की स्कूटी लेते हैं आप लोगों को दिखाएंगे गाइस, और आप लोग की हैंड देखिएगा। तो ये देखो, ये है गाइस। अभी मैं मम्मी के साथ आई हूँ, मम्मी मतलब सास, और हस्बैंड पहले आ चुके हैं बाइक से, और हम आए हैं ई रिक्शा से। तो गाइस चलो आप लोगों को दिखाते हैं। वो देखो, सामने हस्बैंड बैठकर बातें कर रही है लोगों से, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा एक स्कूटी लेने के लिए। और ये है बोरपेटा रोड की शिमलागुड़ी गोपाल होंडा शोरूम गाइस। तो गाइस ये देखो, आप लोग देख सकते हो होंडा कंपनी की किस किस मॉडल की गाड़ियाँ यहीं पर मौजूद है, आप लोग देखो। और कौन सा स्कूटी की मॉडल आप लोग को अच्छा लगा, कलर अच्छा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली हमने ये स्कूटी चॉइस किया और यही स्कूटी लेने वाले हैं। मम्मी हमारा शोरूम और हस्बैंड वहीं पर बैठकर बातें कर रही है। गाइस ये गाड़ी हमने चॉइस किया रेड कलर की, और एक्चुअली स्कूटी तो मुझे ही चलाना है, तो मुझे हस्बैंड ने चॉइस करने के लिए बोला कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो दो कलर की गाड़ियाँ थी, और ये है होंडा कंपनी की टॉप मॉडल की स्कूटी है गाइस। तो गाइस हमारा स्कूटी रेडी हो रही है, बोला कि 1.5 घंटे या 2 घंटे लगेंगे, और हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी रेडी कर दिया। तो अभी गाड़ी रेडी कर रही है, और ये देखो ग्रेजिया रेक्सोल होंडा कंपनी की है गाइस। ये देखो, ये रेड कलर की। तो बहुत ही अच्छा फील हो रही है, बहुत दिनों के बाद आज फाइनली स्कूटी ले रही हूँ। स्कूटी लेने की रीज़न यही है गाइस, हमारा जो सौरभ स्कूल में दिया। सुबह की 7 बजे पहुँचना पड़ता है सौरभ को स्कूल में, तो अगर हम ई रिक्शा से जाए तो टाइम मेकअप नहीं कर पाते हैं, बहुत ही लेट हो जाते हैं गाइस, इसीलिए सोचा कि स्कूटी ले ले। और ये देखो, फाइनली आज हम ये स्कूटी ले जाएंगे घर। और सौरभ को जो हम डांस स्कूल में दे दिया, तो डांस स्कूल में भी हफ्ते में 3 दिन ले जाना पड़ता है। और इधर गाइस ये देखो, सौरभ को भूख लगी है, तकरीबन हम आए हुए 1 घंटा हो गए हैं गाइस। अभी सौरभ चॉकलेट खा रही है, ये देखो सौरभ चॉकलेट खा रहे हैं। और हम गाड़ी लेकर ऐसे निकलेंगे, निकल कर हमें कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो इतना ज़्यादा भूख लगी है गाइस। अभी तो 12 बज चुके हैं, तो सुबह हम चाय और चाय के साथ मुड़ी खाया। गाइस हमारा स्कूटी की काम हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेंगे रेडी होने में। और अभी चलो आप लोगों को शोरूम के सामने की हिस्सा आप लोगों को दिखा दूं, ताकि अगर कोई यहीं पर आना चाहते हो तो सामने की हिस्सा देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि बोरपेटा रोड की शिमलागुड़ी की गोपाल होंडा शोरूम कहाँ पर है। तो ये देखो आप लोग देख सकते हो, और सामने मम्मी भी है। और गाइस हम शोरूम के सामने बातें करते करते वीडियो बना रहे थे, लेकिन शोरूम के जो बाइक स्कूटी की सर्विसिंग और वॉशिंग हो रही है, इतना ज़्यादा आवाज़ आते हैं, मेरे आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं देते हैं गाइस। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी बाइक स्कूटी की सर्विसिंग कहाँ पर होते हैं, शोरूम के किस साइड में होते हैं। तो मेरे साथ चलो। गाइस चलो मैं आप लोगों को अभी डिटेल्स में बताती हूँ कि जो शोरूम के सामने आप लोगों को स्कूटी दिखाया था, रेडी स्कूटी था, तो वही सेम स्कूटी अभी अंदर रेडी हो रही है। क्योंकि गाइस जो शोरूम के सामने रेडी स्कूटी रखते हैं, जिस भी मॉडल की हो, तो अगर वो स्कूटी अगर पसंद आ जाए तो अंदर से सेम स्कूटी आप लोगों को रेडी करके देते हैं। तो गाइस चलो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जहाँ पर कस्टमर आते हैं,
वहीं पर देखो कितने सारे मॉडल की स्कूटी रखा हुआ है और एक साइड में बहुत सारे मॉडल की बाइक भी रखा हुआ है। तो यही से अगर कोई भी बाइक हो स्कूटी हो पसंद आते हैं, डायरेक्ट रेडी बाइक हो स्कूटी हो नहीं देते हैं, आप लोगों को अंदर अगर अवेलेबल हो तो अंदर से रेडी करके दे देते हैं। और अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ जहाँ पर स्कूटी बाइक की सर्विसिंग हो रही है, ठीक पास ही हमारा स्कूटी की भी काम हो रही है। नीचे तो सर्विसिंग की काम हो रही है और ऊपर में कितने सारे स्कूटियाँ स्टॉक में है तो वो चलो आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस ऊपर देखो, एकदम ऊपर कितने सारे स्कूटियाँ अवेलेबल है, ये देखो। गाइस तो फाइनली हमारा स्कूटी रेडी हो चुके है, ये देखो। और अभी ये स्कूटी हम घर ले जाने वाले हैं। हम आ चुके हैं होटल के सामने, ये देखो सामने होटल है। तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सौरभ बहुत ज़्यादा रोने लगी, तो चलो अभी सौरभ को कुछ खिलाते हैं। तो चलो भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगी है ना सौरभ। जय माँ काली होटल बांकटा रोड में बहुत ही टेस्टी होते हैं गाइस, एक बार हम दुर्गा पूजा में आए थे। तो गाइस ये देखो जय माँ काली होटल और यह है अंदर की सब। सौरभ को बैठा दिया और वो बोले कि उसको चावल नहीं खाना है, शेंगरा खाना है, लेकिन अभी तो दोपहर के टाइम चावल ही खाना पड़ेगा। तो ये देखो सौरभ दौड़ कर चला गया उसके दादी माँ के पास। ये देखो हस्बैंड आ गया है, हस्बैंड और मम्मी आ गया है और अभी देखते हैं क्या खाते हैं चावल के साथ। तो गाइस अभी हम खाना खा कर निकल चुके हैं। तो गाइस इतना ज़्यादा भूख लगी थी, क्या क्या खाया आप लोगों को दिखा नहीं पाया। चिकन खाए थे और चिकन चावल और तो निरामिष चावल थे गाइस। और अभी मैं इन पर वेट कर रही हूँ, यह है हस्बैंड की बाइक। तो हमें घर के लिए कुछ मिठाई लेना है, तो चलो मिठाई के दुकान चलते हैं।